नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के रिंकू वासन जी, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आपसे पहला सवाल करूंगा कि आपका जो राजनीति में आपका जो आना हुआ आम आदमी पार्टी में, कैसे और कितने वर्ष से जुड़ा हुआ आपका? मैं DCCWS के चेयरमैन अंकुश नारंग जी की वजह से राजनीति में शुरुआत की, इनके काम देखकर शुरुआत की। इन्होंने हमारे एरिया में बहुत से काम किए, जैसे कोरोना काल के अंदर इन्होंने ऑक्सीमीटर बांटे, राशन वितरण किया जिसकी, और स्कूलों की काफ़ी व्यवस्था ठीक करवाई, सुधरी बहुत हद तक। इन्होंने आज तक LNJP के यह अध्यक्ष हैं। अगर जो हमने इन्हें कभी आधी रात को भी फोन किया कि अंकुश जी इस तरीके से काम है हमारे मोहल्ले का, तो इन्होंने उसी समय पेशेंट को रात को 2 बजे भी एडमिट करवाया, जिसके लिए हमारा प्यार इनके प्रति बढ़ता गया। प्रतिदिन इन्होंने हमारा रोज एक काम किया, चाहे जिस तरीके का भी वो काम था, इन्होंने उस काम को सिरे चढ़ाया। ये नहीं देखा कि दिन है रात है। तो मैं भाई अंकुश नारंग का पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रविशंकर जी हैं, हाँ जी, वो भी आम आदमी पार्टी से हैं, वो भी हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। उनको भी अगर हमने सफाई के लिए कभी भी कोई काम बोला कि ये मोहल्ले के अंदर सफाई कराई जाए, तो उन्होंने भी ना दिन देखा ना रात देखी, उन्होंने भी मास्क वितरण किया। जो 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 भाई अंकुश नारंग ने किया, उनके कर कमलों द्वारा जो जो हो सकता था, उन्होंने आज भी भाई अंकुश नारंग की वजह से फॉगिंग चल रही है और मास्क वितरण और ऑक्सीमीटर से जांच, ऑक्सीमीटर फ्री में बांटे जाना, हॉस्पिटलों के अंदर किसी ने एडमिट होना हो तो वो करवा देते हैं। तो मैं तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अंकुश नारंग जी का। आज अगर हमारे घर का बिल 0 आता है तो वो आम आदमी पार्टी की वजह से आता है। पहले हम किसी और पार्टी को सपोर्ट करते थे, आज हम भाई अंकुश नारंग के साथ हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल जी हमारी नज़र में हीरो हैं। दिल्ली के अंदर अगर जो अगला मुख्यमंत्री जनता देखना चाहती है तो अरविंद केजरीवाल जी को ही देखना चाहती है। अच्छा सर, ये जान लेता हूँ, जैसे कि मिशन 2022 MCD चुनाव आ रहे हैं, 15 साल से दिल्ली में MCD भाजपा है, तो आने वाला समय कैसा लगता है आपको? बदलाव होगा इस बार? बदलाव जनता काम देख रही है, जनता को तो काम से मतलब है सर, पार्टी से कोई मतलब नहीं होता जनता को। मुझे अगर मेरे घर के आसपास कहीं कूड़ा पड़ा है, कोई मुझे बिजली विभाग की दिक्कत आती है, कोई पानी विभाग की दिक्कत आती है, कोई भी सीवर की दिक्कत आती है, तो आम आदमी पार्टी उसको ठीक करा देती है। मुझे इस राजनीति से क्या लेना देना, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, तो मेरा तो इस राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं। तो दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार MCD में आम आदमी पार्टी आ रही है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी ही आएगी, क्योंकि BJP का प्रदर्शन शायद उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा। अब आने वाले 6 महीने में कुछ बढ़िया प्रदर्शन कर दें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हमारी नज़र से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ही आएगी। सर, पिछली बार अंकुश नारंग जी भी चुनाव लड़े थे, दोबारा अगर उनको पार्टी मैदान में उतारती है तो क्या सपोर्ट मिलेगा पूरा क्षेत्र में जनता को? इस समय अंकुश नारंग जी की काफ़ी अच्छी पकड़ है। पिछली बार कुछ कारणों से वो हार गए थे, किसी भी कारण कुछ भी हो सकते हैं, हमें इतनी गंभीरता में जाने की आवश्यकता नहीं है कि वो कारण क्या रहे होंगे, पर उन्होंने 4.5 साल पहले जो मेहनत की थी, वो आज 4.5 साल मेहनत करके जनता को उन्होंने दिखाया कि मैं जीतने योग्य तब भी था और आज भी हूँ। पार्टी अगर जो उनको टिकट देगी एरिया से 95, 96, 97, 98 जिस वार्ड से भी, किसी भी वार्ड से, तो वो विजयी घोषित होंगे। तो सर, इस कोरोना काल को लेकर आपकी भी कोई मदद रही सर इंडिविजुअल? सर, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि भाई अंकुश नारंग ने हमारी बहुत हेल्प की, हमने उनको जो भी काम, आपने अपने द्वारा कोई मदद, हमने तो जितने पेशेंट्स को हमने ले जा सकते थे उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया, किसी को दवाई उपलब्ध करा दी, किसी को खाना उपलब्ध करा दिया, जो भी अपने एंड पर हो सकता था वो सब कार्य हमने किए। सर, बढ़ती महंगाई को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो महंगाई चरम सीमा छू रही है, महंगाई देश का मुद्दा है सर, उसमें ही क्या करेंगे, फिर भी कोई भी नेता, तो सर आम जनता तो पेट्रोल से ही बहुत दुखी है। बिल्कुल, तो महंगाई का मुद्दा हमने क्या कहना, उसके लिए तो डिस्कशन कोई है ही नहीं सर। हमारा आपको पता कि अफगानिस्तान से हमारा तेल आता था, आज वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो चुका पूरा अफगानिस्तान, तो क्या लगता है पेट्रोल के दाम फिर बढ़ेंगे आगे? अब वो तो BJP ने अब चुनाव लड़ना है तो अब क्यों बढ़ाएगी, अब तो यही स्थिर कर देगी, अब नहीं, हाँ अभी 102-103 नहीं पार करेगी BJP, नहीं बढ़ेगी, अब घटाएगी किसी भी तरीके, वो तो अपने एंड पर जितनी कोशिश करके, चाहे 10 रुपए
घटाने पड़े, 15 घटाने पड़े या 20 घटाने पड़े, वो अपना घटाने की कोशिश करेगी। अच्छा। अब इससे आगे नहीं जाएगी भी तरीके की परेशानी। आनंद जी का काम को लेके बात करें, आनंद जी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, वो थोड़ा अब जितना वो काम करते हैं जी, उस हिसाब से वो ठीक है। उनको बहुत से काम है क्योंकि वो MLA चुने गए हैं, सड़कें बनवाई उन्होंने, अब उसके लिए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अच्छा सर, बताया जा रहा है कि तीसरे लहर की भी आने की शंका है, तो एक छोटा सा लोगों को एक जागरूकता होने के लिए संदेश दे दीजिए। अब लोग अपना ध्यान स्वयं ही रखें, सरकार क्या कर सकती है। सरकार अब घर में घुस के तो मास्क पहनाएगी नहीं आपको। अब मैं खुद ही बिना मास्क के बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा इस बारे में, क्योंकि अब लोगों के मन में सिर्फ 1% डर है, बाकी 99% कोरोना तो TV देखने पर ही दिखता। तो कोरोना मानते हो कि आएगी? अब आएगी नहीं, कुदरत साथ है तो नहीं आएगी तीसरी लहर। दो लहरों में ही जिसने जाना था वो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। भाई जो लोग चले गए उनके प्रति हमें दुख है। बिल्कुल, बहुत से लोग तो हरदिल अजीज थे जो चले गए, साथ के थे हमारे, कुछ बड़े थे, अब वो चले गए। अब उनके लिए तो काफी लोग सर मारे गए, बहुत बहुत ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। तो सर इसका मेन वजह कौन है, कौन सरकार जिम्मेदार है? कोई ऐसी सरकार जिम्मेवार नहीं है सर, ऐसे होता है कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अधिकता से क्या अभिप्राय है। अब कोई चीज अधिकता में चाहिए होगी और वो पूरी नहीं की जा सकती तो उसके लिए महामारी हो ही जाती है सर। तो इसके लिए कोई सरकार जिम्मेवार नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन लेने वाले लोग बढ़ गए, ऑक्सीजन तो उतनी ही थी, कोई ये तो है नहीं कि भाई ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन मांगने वाले लोग, ऑक्सीजन लेने वाले लोग अधिक हो गए तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो गई। सर अभी त्योहारों का टाइम भी, एक छोटा सा संदेश देना चाहते हैं जन्माष्टमी में, हरी रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है, हम तो कहेंगे सब मिलजुल कर रहें, बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं इस दिन, तो इसलिए हम राजनीति के बारे में तो ज़्यादा ज्ञान है नहीं अपने को जी सर, मैं आपको ज़्यादा ना कहते हुए, और जन्माष्टमी है तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था उस दिन, हम तो कहेंगे जन्माष्टमी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जन्माष्टमी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो वो यमुना नदी पर जब उन्होंने पाँव लगाया था ना, तो उसके बाद उफान कम हो गया था, तो हमारा मानना है शायद उसी तरीके अब भी ये तीसरी लहर का उफान ना ही आए और खत्म हो जाए। तो ये हमारी सीधी बात रिंकू वासन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।